समांतर माध्य अथवा मध्यमान, अरिथमेटिक मीन, संक्षेप में हम इसे AM लिखते हैं। तो आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा है कि माध्य या औसत कैसे निकालते हैं। यदि A और B दो पद दिए गए हो तो इनका माध्य आप निकालते हैं या इनका औसत आप निकालते हैं A प्लस बी बाई टू। इसी तरीके से समांतर श्रेणी में हम समांतर माध्य को देखेंगे। यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। तो माना कि दो राशि A और B है और इनका जो समांतर माध्य है ये कैपिटल A है, तब हमें जो समांतर श्रेणी मिलेगा वो होगा स्मॉल A, कैपिटल A और B। समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर होता है वो प्रत्येक दो क्रमागत पदों में समान होता है। तो इसी तरीके से दूसरे पद में हम पहले पद को घटाएं तब भी हमें सर्वांतर मिलेगा और तीसरे पद में हम दूसरे पद को घटाएं तब भी सर्वांतर मिलेगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कैपिटल A माइनस स्मॉल A इक्वल टू स्मॉल B माइनस कैपिटल A। तो राइट हैंड साइड में जो A है इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, और जो स्मॉल A लेफ्ट साइड में है उसे पक्षांतर कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके से हमें मिलेगा A प्लस A इक्वल टू B प्लस A, और आगे हम इसे लिख सकते हैं 2A इक्वल टू स्मॉल A प्लस B, और इस तरीके से हमें मिल जाएगा कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल A प्लस स्मॉल B अपॉन 2। तो यही दो राशियों के समांतर माध्य का सूत्र है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि दो राशियों का समांतर माध्य उनके योगफल का आधा होता है। दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पद ज्ञात करना। माना कि दो राशियां A और B है और इनके बीच में हमें n समांतर माध्य पद निवेश करना है, और ये समांतर माध्य पद है A1, A2, A3 अप टू AN। तो समांतर माध्य की परिभाषा का उपयोग करते हुए हम समांतर श्रेणी हमें मिल जाएगी, वो होगा स्मॉल A, फिर A1, A2, A3 अप टू AN, और अंत में जो पद होगा वो B होगा। तो यह एक समांतर श्रेणी है, इसमें जो प्रथम पद है ये स्मॉल A है, अंतिम पद जो है वो स्मॉल B है, और इसमें कुल पदों की संख्या होगी N प्लस 2। देखिए प्रथम पद A है, अंतिम पद B है, और उसके बीच में हम n पद को निवेश कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुल पदों की संख्या जो होगी वह n प्लस 2 हो जाएगी। और माना कि इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है यह स्मॉल d है, तो हमने यह सूत्र पढ़ा हुआ है कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l अंतिम पद है यदि उसमें पदों की संख्या n हो। तो इस तरीके से यहां पर जो अंतिम पद है यह स्मॉल b है, तो हम लिखेंगे b इक्वल टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहां पर कुल पदों की संख्या जो है वो n प्लस 2 है, तो n के स्थान पर हमने लिखा है n प्लस 2, और आगे जब इसे सरल करेंगे तो हमें मिलेगा b इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, और यदि यहां से d का मान निकाला जाए तो हमें मिल जाएगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। a को हमने पक्षांतर कर दिया दूसरे तरफ। तो किसी समांतर श्रेणी के पदों को लिखने के लिए हमें चाहिए प्रथम पद और सर्वांतर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं A1 इक्वल टू A प्लस D, और D का मान हमें पता है ये है B माइनस A अपॉन N प्लस 1। तो इसे हम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा A1 इक्वल टू A प्लस B माइनस A अपॉन N प्लस 1। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं A2 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू A प्लस 2 इंटू B माइनस A अपॉन N प्लस 1। आगे हम तीसरा पद लिख सकते हैं A3, आगे हम अगला पद लिख सकते हैं A3 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू A प्लस 3 इंटू B माइनस A अपॉन N प्लस 1। इसी तरीके से और भी पद लिखे जा सकते हैं, और यदि सेकेंड लास्ट टर्म हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N इंटू D इक्वल टू A प्लस N इंटू B माइनस A अपॉन N प्लस 1। तो इस तरीके से हमें जो A1, A2, A3 अप टू AN प्राप्त हुआ है यही अभिष्ट n समांतर माध्य पद है। तो चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। अब हमें प्रश्न में समांतर माध्य ज्ञात करना है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि 4 और 12 का समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम AM से प्रदर्शित करते हैं, अर्थमेटिक मीन, दोनों संख्याओं का योग और उसको 2 से भाग देना है। तो ये आपको मिल जाएगा 16/2, सरल करने पर आपको मिल जाएगा 8। तो 4 और 12 का जो समांतर माध्य है यह 8 है। दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि a प्लस बी और
ए माइनस बी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य। तो आप दोनों को पहले योग करिए, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन टू, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, टू ए अपॉन टू सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा ए। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का समांतर माध्य आपको प्राप्त हुआ ए। तीसरा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई और वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले दोनों को योग करिए, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई और अपॉन टू, थ्री एक्स वाई प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू। तो यही जो राशि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू, यह एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई और वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई का समांतर माध्य है। अगला प्रश्न, 22 और 7 के मध्य चार समांतर माध्य पद प्रविष्ट कीजिए। इसका मतलब ये कि हमें समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद दे दिया गया है और उसके मध्य में चार पद हमें निवेश करना है। तो माना कि अभीष्ट समांतर श्रेणी जो है ये है 22, चार पद निवेश करना है। तो पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 और अंतिम में जो पद दिया ये 7 है। तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि प्रथम पद जो है ये 22 है और कुल पदों की संख्या, ये चार पद तो निवेश किया हमने और पहले और अंत में दो पद, तो चार और दो कुल मिलाकर के 6 पद हैं। अंतिम पद जो है ये 7 है। तो इस सूत्र का हम उपयोग कर सकते हैं कि L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र का उपयोग करने पर A का मान 22 है, N का मान 6 है और D का मान हमें ज्ञात हो जाएगा यहाँ से, ये 7 के बराबर है। तो 6 में घटाएंगे मिल जाएगा 5, तो आपको मिल गया 5D इक्वल टू माइनस 15। तो यहाँ से आपको मिल गया D का मान माइनस 3। आपको A पता है, आपको D पता है, A1 निकाल सकते हैं। तो A1 इक्वल टू आएगा A प्लस D और A का मान है 22 या 22 और D का मान है माइनस 3। तो 22 माइनस 3 कर देंगे, आपको मिल जाएगा 19। A2 इक्वल टू A प्लस 2D या फिर आप 19 में D को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 16। A3 इक्वल टू A प्लस 3D, आप 16 में 3 को माइनस 3 ऐड कीजिए तो आपको मिल जाएगा 13। और A4 इक्वल टू A प्लस 4D, आपको सॉल्व करने पर यही मिलेगा 13 माइनस 3 इक्वल टू 10। तो ये जो चार पद हमें ज्ञात करने थे यह है 19, 16, 13 और 10। 1/2 और 1/3/4 के बीच समांतर माध्य पद इस प्रकार प्रविष्ट कीजिए कि तीसरा माध्य 5/4 हो। माध्य की संख्या भी ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है। तो हल करते हैं कि 1/2 और 1/3/4 को हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7/4 के बीच तीसरा माध्य 5/4 है और माना कि 5/4 के पहले A1 और A2 दो माध्य पद हैं, तब जो समांतर श्रेणी बनेगी ये क्या होगा, 1/2 A1 A2 5/4। तो यहाँ पर आप यह देख पा रहे हैं कि प्रथम पद जो है ये 1/2 है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा पद है, चौथा पद अर्थात अंतिम पद जो है ये 5/4 है। तो L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। चौथा पद अर्थात A प्लस 3D इक्वल टू 5/4, A का मान है 1/2 और 3 इंटू डी इक्वल टू 5/4। आगे सरल करते हैं, 3D इक्वल टू 5/4 माइनस 1/2, LCM लेंगे आएगा 4 और ये 5 माइनस 2, आपको मिल जाएगा 3/4। तो 3D इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा D इक्वल टू 1/4।
आपको डी का मान मिल चुका है, तो यहाँ से हम ए वन निकाल सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे मिल जाएगा 4 और ये 2+1 सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 3/4। इसी तरीके से ए टू इक्वल टू ए प्लस 2d लिख सकते हैं, या फिर 3/4 में आप d को ऐड कर दीजिए, तो 3/4 प्लस 1/4 तो मिल जाएगा 4/4, या फिर आप इसे 1 लिख सकते हैं। ए थ्री इक्वल टू ए प्लस 3d इक्वल टू 4/4 प्लस 1/4 आपको मिल जाएगा 5/4, तो ये 5/4 आपको मिल चुका है। अब ए फोर निकाल लेते हैं, ए फोर ए प्लस 4d, तो ये मिल जाएगा 5/4 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, इस पद में आप डी ऐड करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 6/4, अर्थात सॉल्व करने पर 3/2। और ए फाइव इक्वल टू ए प्लस 5d, या फिर आप 6/4 में 1/4 ऐड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 7/4। और आप देख पा रहे हैं कि 7/4 हमको अंतिम पद है, यह हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से जो समांतर श्रेणी है अभीष्ट समांतर श्रेणी 1/2, 3/4, 4/4 अर्थात 1, 5/4, 6/4 और 7/4 में कुल 6 पद हैं, और यही हमें ज्ञात करने कहा गया था।